यादव, इस योगा के सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम करने वाले हैं स्टैंडिंग के कुछ आसन और सिटिंग के कुछ आसन, और बाद में हम प्राणायाम करेंगे और अपना आज का सेशन समाप्त करेंगे। लेकिन इस इस सत्र में आपको बहुत मजा भी आएगी और बहुत अच्छा भी। लगता है कुछ टेक्निकल डिफिकल्टी कारण वीडियो हैंग हो रहा है, एंड अगर आप हम लोग पूरे को ठीक से सुनाई नहीं दे रहा है तो मेरे साथ में बने रहिएगा 10 से 15 सेकंड और। तो चलिए शुरू करने से पहले थोड़ा सा हम लोग वार्म अप करेंगे। वार्म अप करने के बाद फिर आई एम सो सॉरी एवरीवन, किसी कारणों के वजह से हमारा सेशन हैंग हो रहा है। मैं इस सिस्टम पे इसे सॉर्ट आउट करने के लिए बैठा हूँ और कुछ समय लग रहा है मुझे। आई थिंक वी विल ट्राई टू सॉर्ट इट आउट, बहुत जल्दी हम इसे सॉर्ट आउट कर लेंगे। मुझे लगता है मुझे 15 से 20 सेकंड और जा सकते हैं इसे सॉर्ट आउट करने के लिए, एंड आई एम जस्ट ट्राइंग टू सॉर्ट दिस आउट। तब तक चैटिंग जारी रखिएगा, और चैटिंग के अंदर में आप मेरे साथ में अगर व्हाट्सएप से जुड़ना चाहते हैं तो यू कैन कनेक्ट विद मी बाय व्हाट्सएप ऑन 8828875385। सो आई एम ट्राइंग टू सॉर्ट दिस आउट। मेरा सिस्टम कहीं तो कहीं आज मुझे तकलीफ दे रहा है और मेरी मेंटल स्टेबिलिटी को चैलेंज कर रहा है कि भाई तुम कितना काम और कूल रह सकते हो इतने हड़बड़ाहट के बीच में। तो लेट्स सी कि मैं तो काम को रहने की कोशिश कर रहा हूँ, आप सब कितना काम और कूल रह पाते हैं आज के सेशन में जब तक ये टेक्निकल इशू सॉर्ट आउट नहीं होता है। तो लेट्स सी, हम कोशिश कर रहे हैं मैं इसे रीसेट करने के लिए, और रीसेट करके फिर शायद से होपफुली स्टार्ट हो जाए। और थोड़ा हमको कदम ताल करना है, कदम ताल स्लो मार्चिंग, स्लो मार्चिंग। चलिए स्लो मार्चिंग आप करते रहिए, थोड़ा थोड़ा हम स्लो मार्चिंग करेंगे अपनी जगह पे जब तक अरुण सर का वीडियो रिस्टार्ट होता है। तो लेट्स डू अ लिटिल बिट ऑफ स्लो मार्चिंग, और जैसे हम स्कूल में मार्चिंग के लिए जाते थे तो वैसे ही मार्च पास के हिसाब से हल्का पैर उठाइए जितना आप अपने हिसाब से कंफर्टेबल रह सकते हैं। बट एम ये है कि हमने अपनी बॉडी को एक्टिवेट करना है, जगाना है और अवेकन करना है। तो लेट्स की हैव अ स्लो मार्च, एवरीवन स्लो मार्च करते जाइए। और स्लो मार्चिंग करते रहिएगा, और स्लो मार्चिंग करते करते हमने एक और चीज करनी है यहाँ पे, ब्रीदिंग को नॉर्मल रखना है। स्लो मार्चिंग करते करते ब्रीदिंग को नॉर्मल रखिएगा। चलिए हमारा वीडियो आज थोड़ा तकलीफ दे रहा है, विल रीस्टार्ट इट इन नेक्स्ट 10-15 सेकंड। हम स्लो मार्चिंग जारी रखिएगा, और स्लो मार्चिंग के साथ साथ में ब्रीदिंग को नॉर्मल रखिएगा। और अगर हो सकता है तो अब धीरे धीरे अपने हाथों को, रिस्ट को गोल गोल घुमाइएगा, मार्च करते करते अपने रिस्ट को गोल गोल घुमाइएगा। यस, वेरी गुड। और शोल्डर्स को धीरे धीरे ऊपर की तरफ खींचे, फिर नीचे की तरफ लीजिए, ऊपर की तरफ खींचे, फिर नीचे की तरफ लीजिए।
ये हम करेंगे अगले 10 से 15 सेकंड और, जब तक ये टेक्निकल प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हमारा नहीं होता है। और होपफुली अब हम इसे सॉर्ट आउट करके आगे बढ़ेंगे। चलिए कोई बात नहीं, हम विल बी बैक ऑन एयर इन नेक्स्ट फ्यू सेकंड्स। तब तक आए अपना मोमेंटम मत छोड़िएगा, मोमेंटम मत छोड़िएगा। आई होप आपका स्लो मार्चिंग अभी खत्म हो गया है। अब हम हैंड्स और लेग्स की मूवमेंट्स करेंगे, हाथों को कंधे से लेके उंगलियों के बीच का तक पूरा एक बार हमें पूरा फोल्ड कीजिए, उंगलियों से अपने कंधों को टच कीजिए और फिर वापस से हम उल्टा करेंगे, हाथों को एक्सटेंड करेंगे, फोल्ड करेंगे और एक्सटेंड करेंगे, फोल्ड करेंगे, एक्सटेंड करेंगे। ये हमने कभी करना है 15 टाइम्स। चलिए 15 टाइम्स हाथों को फोल्ड कीजिए, अपने कंधों को टच कीजिएगा और फिर से हाथों को फोल्ड कीजिए और अपने कंधों को टच कीजिए। 15 टाइम्स हम ये करेंगे। क्या करेंगे, हाथों को फोल्ड करेंगे, शोल्डर्स को टच करेंगे और फिर रिवर्स जाएंगे। सो 15 टाइम्स हमने ये करना है। ऑल राइट, 15 टाइम्स करते 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 ब्रीदिंग की तरफ में ध्यान दीजिएगा और ब्रीदिंग की तरफ में ध्यान देते देते इसे करेंगे। अब शोल्डर्स को टच कर रहा, हमने हाथों को फोल्डिंग की काम कर लिया। अब हम अपने हाथ दोनों हाथों को ऊपर की तरफ में उठाएंगे, जैसे कि हम सीलिंग को टच करने की कोशिश कर रहे हैं। पैरों को अपनी जगह पर रखना है, हाथों को सीलिंग की तरफ में टच करने की कोशिश करनी है और सीलिंग की तरफ में टच करते करते एक्सटेंड कीजिए, एक्सटेंड कीजिए, ऊपर कीजिए और फिर नीचे लेके आइए, ऊपर कीजिए। इसे हम सेम 15 टाइम्स इसे दोहराएंगे। तो 15 टाइम्स एक्सटेंड योर हैंड्स टूवर्ड्स योर सीलिंग और सीलिंग के तरफ में एक्सटेंड करने के बाद में फिर आप इसे वापस नीचे लेके आएंगे। तो यहाँ पर अब हमने अपने शोल्डर से ऊपर की तरफ में हैंड्स की मूवमेंट करनी है। यहाँ पर अब हम अपने शोल्डर्स को मूव कर रहे हैं। तो स्क्रीन के ऊपर में वीडियो फिर से शुरू हो जाएगा अगले 10 से 15 सेकंड होपफुली के अंदर में। तब तक जारी रखिएगा आप इस एक्टिविटी को, और एक्टिविटी जारी रखते हुए हमने छोड़नी नहीं एक्टिविटी, तो थोड़ी बढ़ जाएगी। चलिए वीडियो इज बैक ऑन ट्रैक। ये हम कम से कम 1 मिनट के लिए करेंगे। जो एजेड लोग हैं, जो 60 70 80 के लगभग जो लोग होंगे, वो लोग बहुत सावधानी पूर्वक करेंगे इसे, क्योंकि इसमें इनबैलेंसिंग होने की चांसेस ज्यादा होते हैं। अब ये करने से आपके थोड़े हार्ट रेट इंक्रीज हो रहे होंगे, पूरे 1 मिनट हो चुके हैं। अब इसी के साथ हम अपनी स्पीड को बढ़ाने वाले हैं, जो हमारा वो लास्ट और मैक्सिमम स्पीड होगा। तो ये देखिए, जगह पे दौड़ना, जगह की कदम ताल, जैसे हमारे मैराथन में लोग दौड़ते हैं वो दौड़ है ये, ऐसे ही इसी स्पीड में वहां लोग दौड़ते हैं। तो ये भी 1 मिनट के लिए हो चुका है। अब कूल डाउन करेंगे धीरे धीरे। आपके सांसों की जो स्पीड है वो थोड़ी बढ़ चुकी है। कूल डाउन, कूल डाउन। बहुत अच्छे, रुक जाएंगे यहाँ पे। दोनों पैर में थोड़ा अंतर रखेंगे। डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे, जिसकी वजह से अभी आप देखिए यहाँ पे हाथ लगाइए, आपकी हार्ट की धड़कन पूरी बढ़ी हुई है। एक हाथ अपने पेट पे रख लीजिए। अब इस धड़कन को एकदम शांत करने के लिए हम लोग लंबी सांसों की क्रिया करेंगे। तो चलिए
धीरे धीरे लंबी सांस भरेंगे, सांस को रुका के रखिए, धड़कन को महसूस कीजिए, धीरे धीरे सांस बाहर छोड़िए। इस क्रिया को और चार बार करेंगे। चलिए, सांस बाहर, फिर से एक बार सांस अंदर। धीरे धीरे सांस बाहर, फिर से एक बार सांस अंदर लीजिए। स्लोली सांस बाहर छोड़िए। बहुत अच्छे, एक बार और। अब सब लोग अपनी आंखें खोल देंगे। अब देखा आपने कि हमने वार्म अप क्रिया की, वार्म अप में हम लोगों ने मार्चिंग की, स्लो मार्चिंग, थोड़ी सी फास्ट, उसके बाद थोड़ा सा और फास्ट मार्चिंग, उसके बाद हम लोगों ने जो डीप ब्रीदिंग किया है, डीप ब्रीदिंग की वजह से जो हमारी हार्ट की धड़कन बढ़ी हुई थी वो नॉर्मल हो गई। नॉर्मल होने का कारण क्या है? क्योंकि हमने ऑक्सीजन इनटेक ज़्यादा किया। तो यही हमें करना है कि कभी भी अगर आपकी धड़कन बढ़ती है, शुगर होता है, बीपी होता है, हार्ट की प्रॉब्लम होती है, या चक्कर आते हैं, कुछ भी आता है, तो आपको पैनिक नहीं होना है, शांत बैठना है और ऐसे ही डीप ब्रीदिंग करनी है। डीप ब्रीदिंग जैसे ही करना शुरू करेंगे तो शरीर अंदर से अपने आप को रिपेयर करना शुरू करता है, जिसके वजह से आपको आगे होने वाली जो डिसीज है या बहुत बड़ी बीमारियां नहीं होती है। तो चलिए अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं। आज का जो हमारा पहला आसन है वो है हमारा अर्ध चक्रासन। तो चक्रासन जो होता है मतलब शरीर को चक्र के जैसा थोड़ा सा फिराना, क्योंकि हम आज जो कर रहे हैं आराम से करेंगे, कोई घाई गड़बड़ नहीं करनी है। तो चलिए अब मैं इस साइड ऐसे खड़े हो जाता हूँ इस पोजीशन में, और एक बार मैं करके दिखाता हूँ। इसमें क्या करना है, आपको जितना बेंड हो सकता है उतना ही बेंड होना है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं करनी है, ठीक है? एक बार देखिए, सांस लेते हुए हाथ ऊपर जाएगा और फिर सांस छोड़ते हुए पूरे शरीर को पीछे की तरफ बेंड करना है। ये अर्धचक्रासन है, ठीक है? तो आप जितना बेंड हो सकते हैं उतना ही बेंड हो करेंगे अपने आप को, ज्यादा जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे, क्योंकि इनबैलेंस होगा तो आप सर के साइड गिर भी सकते हैं। तो चलिए इसे हम 5 बार करेंगे। करने के बाद मैं इसके फिर आपको फायदे बताता हूँ। स्टार्ट करेंगे, चलिए स्टार्ट। सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे बॉडी को पीछे की तरफ, जो हमारा पैर है वो भी स्ट्रेट हो, घुटने झुकाने नहीं है ज्यादा, ये रुकना है, परफेक्ट। फिर धीरे धीरे सांस को भरते हुए आगे आइए और सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे। चलिए एक बार और कर लेते हैं इसी को। सांस को लेते हुए हाथ ऊपर, सांस को छोड़ते हुए शरीर को पीछे की तरफ झुकाना है, बैलेंस बनाइएगा, बैलेंस। सांस छोड़ते हुए, सॉरी सांस छोड़ दिया है, सांस को लेते हुए ऊपर आएंगे और सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे। अब इसको हमने 2 बार किया है, इसके फायदे एक बार डिक्टेट कर देता हूँ मैं आपको। इसको करने से हमारे पेट की जो सामने की जो हमारा बेली फैट्स होता है, जो यहाँ पे फैट होते हैं, ये सामने की तरफ से पूरे स्ट्रेच हो जाते हैं और आपकी जो रीढ़ की हड्डियाँ है वो पूरी ऐसे पूरी की पूरी दब जाती, जिसकी वजह से इसमें जो भी टॉक्सिन जमा है या फिर जो भी अनवांटेड चीज़ें उसमें अटक के बैठी होती है हमारे ज्वाइंट के अंदर, तो ये निकलने में सावधानी होती है, क्योंकि हम अपने
रीढ़ की हड्डी को पीछे और फिर आगे, पीछे और फिर आगे कर रहे हैं, जिसकी वजह से ज्वाइंट संबंधित बीमारियां, हमारे कमर दुखने की जो बीमारियां हैं, ये धीरे धीरे कम होगी। इसमें सबसे बढ़िया फायदा होता है कि आपका जब हाथ ऊपर जाता है, सारा ब्लड सप्लाई आपके हार्ट की तरफ आ जाता है, जिसमें हार्ट संबंधित बीमारियां भी हमारी कम होना शुरू होती है। तो चलिए तीन बार और करेंगे हम लोग, स्टार्ट करेंगे। चलिए, सांस लेते हुए हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए पीछे की तरफ बेंड करना है, रिलैक्स। सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, परफेक्ट। और एक बार करेंगे। चलिए, सांस को लेते हुए हाथ ऊपर, सांस को छोड़ते हुए पीछे की तरफ, स्ट्रेच। सांस को लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए स्लोली नीचे, एक बार और करेंगे। चलिए, सांस लेते हुए हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए स्लोली स्लोली, सांस लेते हुए ऊपर और सांस को छोड़ते हुए नीचे। बहुत अच्छे, हमने अभी पांच बार किया है। अगर आप इस सेशन को फिर से रिपीट देख के करना चाहेंगे तो आप 7 बार या 10 बार या फिर इसे ज्यादा से ज्यादा 11 बार ही करना है, ज्यादा नहीं करना है, नहीं तो फिर साइड इफेक्ट भी बहुत ज्यादा होते हैं। तो चलिए, अब थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं, क्योंकि हमने पूरा बॉडी को बेंड किया हुआ था, दोनों हाथ नीचे, आंखें बंद। अब आगे के आसन के लिए हम अपने शरीर को प्रिपेयर करेंगे, उसके पहले शरीर को शांत करेंगे। नॉर्मल ब्रीथ चालू रखें, आंखें बंद होंगी, ओके, रिलैक्स। अब हम करेंगे पाद हस्तासन। पाद हस्तासन जो होता है, ये अभी हम लोगों ने क्या किया है कि हमारी जो मिडल पोर्शन थी, इसे हमने बेंड किया हुआ है। अब हम लोग हमारे घुटनों को और हमारे जो थोड़ी कमर है वो आगे की तरफ झुकेगी और गर्दन है थोड़ी आगे की तरफ झुकेगी। तो एक बार मैं करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हाँ, पैरों में थोड़ा सा 1 से 1.5 फीट का अंतर होगा। एक लंबी सांस लेंगे, सांस छोड़ते हुए अपने आप को ऐसे हम लोग नीचे की तरफ लेके आएंगे, ठीक है। तो ये जो आसन है, यहाँ पे रुकना है और फिर बाद में सांस लेते हुए ऊपर आना है, सांस छोड़ते हुए वापस नीचे जाना है। तो पाद हस्तासन, तो इसको हम लोग जैसे हाफ चेयर पोज होता है वही पोज है, सिर्फ इसमें हमें थोड़ा सा और डिफरेंट तरीके से करना है। तो इसके जो फायदे मैंने पहले बता दिए आपको, फिर बाद में मैं डिक्टेट कर देता हूँ, लेकिन हम आसन कर लेते हैं। चलिए स्टार्ट करेंगे। सांस को लेते हुए दोनों हाथ सामने से ऊपर आएगा, अब सांस छोड़ते हुए आपको नीचे की तरफ आना है। बहुत अच्छे, यहाँ पे रुकेंगे, नॉर्मल ब्रीथ, 5 काउंट, 1, 2, 3, 4, 5। उसके बाद सांस लेते हुए ऊपर उठ जाएंगे, सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे। अभी आप जब बैठते हो, बैठने के बाद आपके थाइज मसल्स पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस आता है। स्ट्रेच आने से क्या होगा कि वहाँ की जो मसल्स पावर है या फिर जो हमारे घुटनों की मोबिलिटी है वो बढ़ाने में बहुत ही मदद मिलती है। और दूसरा कि हम पूरे के पूरे जो नीचे आने के बाद हमारा कमर पे पूरे बैलेंस को बनाते हैं, ठीक है ना, तो इससे हमारे जो रीढ़ की हड्डियों की प्रॉब्लम है वो भी क्लियर होती है। शुरुआत करेंगे, रेडी। चलिए, सांस लेते हुए हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, परफेक्ट। नॉर्मल ब्रीथ, 5 काउंट, 1, 2, 3, 4, 5। सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे। चलिए एक बार और,
सांस लेते हुए हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, फाइव काउंट, नॉर्मल ब्रीद, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. चलिए, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे। तो पैर को थोड़ा नजदीक लाएंगे, अब यहाँ पे थोड़ा सा शरीर को शांत करेंगे और फिर से इसी आसन को 3 बार रिपीट करेंगे, ठीक है। तो हाथों को ऐसे पकड़ लीजिए, पैर में थोड़ा गैप रखिए, रिलैक्स हो जाएंगे। नॉर्मल ब्रीद, आंखें बंद, चलिए फिर इसी आसन को 3 बार करेंगे, क्योंकि तो इसके बहुत ज़्यादा फायदे हैं। बीच में मैंने इसलिए थोड़ा सा रेस्टिंग करवाई है क्योंकि तो शरीर को फिर से एक आगे आसन करने के लिए फिर से प्रिपेयर करीजिए, तो फिर से एनर्जी लेवल बढ़ जाता है। चलिए स्टार्ट करेंगे, फिर से थोड़ा अंतर रखेंगे पैर में, 1 से 1.5 फुट का। चलिए, सांस को लेते हुए हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, फाइव काउंट, नॉर्मल ब्रीद, 1, 2, 3, 4, 5, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे। एक बार और, सांस लेते हुए हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, फाइव काउंट, सामान्य श्वास, 1, 2, 3, 4, 5, सांस लेते हुए हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। और एक बार, सांस लेते हुए हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, रिलैक्स, फाइव काउंट, 1, 2, 3, 4, 5, सांस लेते हुए हाथ ऊपर, पूरे शरीर ऊपर आएगी, सांस छोड़ते हुए नीचे। फिर से थोड़ा शांत और शिथिल हो जाएंगे, आंखें बंद, नॉर्मल ब्रीद, शरीर को शांत और शिथिल करना है, आंखें बंद रखनी है। तो चलिए, अब हम लोगों ने जितने भी स्टैंडिंग के आसन थे कर चुके हैं, अब हमें स्टैंडिंग के आसन के बाद नीचे बैठ के कुछ आसन की प्रैक्टिस करनी है। तो अब हम लोग अपने मैट के ऊपर नीचे बैठ जाएंगे और आगे के आसन की शुरुआत करेंगे। चलिए, सब लोग नीचे बैठ जाएंगे। नीचे बैठने के बाद जो हमारा आसन है, आसन का नाम है अर्ध मच्छेंद्रासन। अर्ध मच्छेंद्रासन करने के लिए हम लोगों को थोड़ा अभी प्रिपेयर होना पड़ेगा। तो सबसे पहले दोनों पैर सामने लाएंगे, सामने लाने के बाद हाथों को पीछे रखेंगे, दोनों पैर को थोड़ा सा शांत और शिथिल करना है। दोनों पैर को जमीन पे थोड़ा थोड़ा पटकते रहना है, जिसकी वजह से जो खड़े होकर हमने एक्सरसाइज की हुई है उसकी वजह से पैर में जो गया हुआ ब्लड है उसका सर्कुलेशन जो होगा वो हमारे हार्ट की तरफ हो जाएगा। चलिए, तो आगे के आसन की शुरुआत करेंगे। आगे के आसन को शुरुआत करने के लिए अब हम लोग मैट के ऊपर पूरी तरह बैठ जाते हैं इस प्रकार से। तो अर्ध मच्छेंद्रासन की जो क्रिया है, अर्ध मच्छेंद्रासन जो हम करने वाले हैं, उसके लिए हमें सबसे पहले हमारा जो बायां पैर है उसे दाहिने पैर के घुटने के उस साइड में हमारे तलवे जो पैर के वो छोड़ सिटका देंगे, ठीक है। उसके बाद जो हमारा राइट लेग है उसको अंदर की तरफ फोल्ड करना है, ठीक है।
अब सिंपल हम अर्धमच्छिंद्रासन करेंगे और जो हमारा राइट हैंड है तो लेफ्ट लेग अगर मेरा आगे है, हमारा बायां पैर आगे है तो हमारे दाहिने हाथ से इसको ऐसे पकड़ लेना है और जो बायां हाथ है वो हमारे पीछे ऐसे रख लेना है। सीधा बैठ जाएंगे। अब सांस की क्रिया आती है यहाँ पे, तो एक लंबी सांस लेंगे यहाँ पे और सांस को छोड़ते हुए शरीर को लेफ्ट साइड में ऐसे टर्न करेंगे, पीछे की तरफ देखना है, फाइव काउंट, 1, 2, 3, 4, 5, 10 काउंट करेंगे, 6, 7, 8, 9 and 10। अब धीरे धीरे एक लंबी सांस लेते हुए सामने आएंगे, सांस को धीरे धीरे छोड़ देंगे। अब फिर से एक लंबी गहरी सांस लीजिए और सांस को छोड़ते हुए पीछे की तरफ फिर से सेम पोजीशन, नॉर्मल ब्रीथ, 10 काउंट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। अब धीरे धीरे एक लंबी सांस को लेते हुए शरीर को घुमाते हुए हम लोग आ जाएंगे मिडल पोजीशन में, सांस बाहर, फिर से एक लंबी सांस, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड, रिलैक्स, पीछे किसी वस्तु पे नजर केंद्रित या फिर आंखें बंद, नॉर्मल ब्रीथ, 10 काउंट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। अब धीरे धीरे लंबी सांस लेते रहिए और आगे आगे की तरफ आएंगे, सांस बाहर, दोनों हाथ जमीन पर रख दीजिए पीछे, धीरे धीरे नीचे के पैर को बाहर निकाल लेंगे और फिर जो ऊपर का पैर है उसे बाहर की तरफ निकाल देंगे। तो ये हो गया हमारा वन साइड, ठीक है। अब आगे का जो इसका आसन है, दूसरे पैर को चेंज करना है यहाँ पे। दूसरे पैर को चेंज करने के लिए अब मैं आपको इस साइड से, अब राइट लेग उठाएंगे, लेफ्ट लेग के दूसरे साइड में रख देंगे, लेफ्ट लेग जो होगा उसको हम लोग यहाँ पे फोल्ड कर लेंगे। थोड़ा सा क्रॉस हो जाता हूँ मैं, आपको सब दिखेगा, ये पोजिशन आ जाएगी। अब इसमें जो हमारा राइट लेग होगा तो लेफ्ट हैंड से जो हमारा मतलब जो हमारा एल्बो है, जो वहाँ से हमारा हाथ मुड़ जाता है, वहाँ से इस घुटने के लगा के ऐसे ग्रिप में इसको पकड़ लेंगे और जो हमारा दाहिना हाथ होगा वो कमर के ऊपर पीछे चला जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब धीरे धीरे एक लंबी सांस भर लीजिए और सांस को छोड़ते हुए राइट साइड में टर्न करेंगे बॉडी को, पीछे किसी वस्तु या फिर स्थान पे ध्यान केंद्रित, नॉर्मल ब्रीथ, 10 काउंट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। अब एक लंबी गहरी सांस लीजिए और सांस छोड़ते हुए सामने आ जाइए। तो इसमें आप दो प्रकार भी कर सकते हो, जैसे मैंने बताया यहाँ पे सांस लेके फिर छोड़ते हुए भी आ सकते हो, या फिर यहीं पे रुक के सांस को लेते हुए धीरे धीरे यहाँ आके छोड़ सकते हो, ठीक है। तो हम फिर से करेंगे, एक लंबी गहरी सांस लीजिए और सांस को छोड़ते हुए राइट साइड में टर्न करेंगे बॉडी को, वहीं रुक जाइए, नॉर्मल ब्रीथ, सामान्य श्वास, 1, 2, 3, 4, 5,
सिक्स सेवन एट नाइन एंड टेन। अब धीरे धीरे एक सांस को लेते हुए शरीर टर्न कीजिए, सामने आ जाइए, सांस बाहर, फिर से एक लंबी सांस और सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे शरीर को फिर से ट्विस्ट करेंगे हम लोग राइट साइड। नॉर्मल श्वास वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन एंड टेन। अब एक लंबी गहरी सांस लेते हुए आपको आगे की तरफ आना है, सांस छोड़ देंगे, दोनों हाथ पीछे रखेंगे, धीरे धीरे हम लोग पहले नीचे के पैर को सीधा कर लेंगे और बाद में जो ऊपर का पैर है उसे आगे की तरफ कर लेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा अर्धम मच्छिंद्रासन। तो पैर को जरा शांत और शिथिल करेंगे। तो अर्धम मच्छिंद्रासन जो हमारा आसन होता है, इससे करने से जरा हमारे पैर को जमीन पे पटकना है, क्योंकि पैर को हम लोग फोल्ड किया था जिसकी वजह से उस पे थोड़ा रक्तवाहिनियों पे पूरा स्ट्रेस आ जाता है, तनाव आ जाता है, सीधा बैठ जाएंगे। तो जो अर्धम मच्छिंद्रासन हम लोग ने अभी किया, अर्धम मच्छिंद्रासन जो होता है ये हमारे जो हिप जॉइंट पेन होते हैं, घुटना होता है, कमर हो गई, शरीर में पूरे मरोड़ की जो स्थिति पैदा हो जाती है, इसमें हमने पूरे गर्दन को भी दोनों साइड में घुमा के लिया है, तो इसमें ऑल ओवर शरीर, ऑल ओवर बॉडी में जो भी जॉइंट्स है, जो भी हमारे जॉइंट्स की मोबिलिटी है, ये बढ़ाने में मदद मिलती है। दूसरा, शरीर में जो मरोड़ होता है इसकी वजह से हमारे जो इंसुलिन जो होता है, इंसुलिन की प्रक्रिया जो होती है हमारे स्वादुपिंड या पेनक्रियाज में, ये बहुत ही अच्छे तरीके से होने लगती है, जिसकी वजह से हमें डायबिटीज़ की बीमारी से भी निजात मिल सकती है। और इसमें बॉडी की जो फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने का कार्यक्रम होता है, तो इससे हमारे ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल होना शुरू होते हैं और रोग प्रतिकारक क्षमता बढ़ाने में मदद मिलती है। तो चलिए अब इसके बाद हम लोग करने वाले हैं नौका चालन का वेरिएशन। जैसे आप पानी में नाव चलाते हैं बरोबर, उसी को हमने एक वेरिएशन तैयार किया हुआ है, जिसमें आपको उसमें हाथ हिलाते हुए देखा होगा आपने, लेकिन आपको अब इसमें पैर को भी हिलाना है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। फिर से उसी पोजीशन में आना है हम लोगों को, यहाँ पे यही पोजीशन। इस पोजीशन में आने के बाद आपको यहाँ पे प्रिपेयर होना है। पहले कैसे करना है एक बार मैं आपको करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो दोनों पैर को ऐसे फोल्ड कर लेंगे, नौका चालन का वेरिएशन। आपने पहले नौका चालन जो देखा होगा इस प्रकार से या इस प्रकार से है, इसमें पैर को सिर्फ फोल्ड कर लेंगे। पैर को फोल्ड करके सिर्फ वही एक वेरिएशन है तैयार है, शुरुआत करेंगे। चलिए स्टार्ट करेंगे नौका चालन। तो सबसे पहले आगे की तरफ जाएंगे हम लोग, थोड़ा सा आगे कर लीजिए पैर को, देखिए ये पोजीशन। रेडी है सब लोग? तो ये देखिए, हाथ ऐसे मुट्ठी बांध लेंगे, स्टार्ट करेंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन एंड टेन। चलिए अब इसे उल्टा घुमाएंगे फिर से, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन एंड टेन। थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएंगे। देखा आपने, चक्की चालन की क्रिया जो होती है उसी से प्रेरित हुआ है ये आसन, इसको हम लोग नौका चालन का वेरिएशन बोलते हैं। तो इससे क्या फायदे होने वाले हैं कि जैसे ही आप आगे और पीछे की तरफ करते हैं, तो आपका पूरा का पूरा जो रीढ़ की हड्डियों का मूवमेंट है वो मूवमेंट होता है,
पेल्विक रीजन जो होता है, जहाँ पे बहुत सारे ऐसे पेशेंट जो अभी यहाँ पे लोग देख रहे होंगे, यहाँ पे बहुत ज़्यादा चर्बी होती है। ये लेडीज लोगों में बहुत ज़्यादा चर्बी पाई जाती है। तो इस जो फैट जमा है, इस फैट को निकालने के लिए ये आसन बहुत ही कारगर साबित हो सकता है। हाँ, तो चलिए एक बार और करेंगे। पैर को थोड़ा फोल्ड कर लेंगे, पैर पूरा जमीन पे सपाट होगा। स्टार्ट करेंगे, मुट्ठी बांध लीजिए। रेडी, चलिए स्टार्ट करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। चलिए फिर से उल्टा करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। हाथ पीछे, दोनों पैर आगे। तो ये जो हमारा वेरिएशन है नौका चालन का, बहुत ही बढ़िया आसन है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, शायद आप लोगों को भी अच्छा लग रहा होगा। तो इसे एक बार और कर लेते हैं, क्योंकि मेरा बहुत ही पसंदीदा आसन है, जिसकी वजह से मैं और फिट और फाइन रहता हो। तो चलिए, आपको भी अगर पूरे शरीर को एकदम प्लेन रखना है तो आपको आसन को एक बार और करना है। स्टार्ट करेंगे। रेडी स्टार्ट। हम मुट्ठी बांध लो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। चलिए उल्टा घुमाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10 एंड रिलैक्स। पैर को शांत और शिथिल करेंगे, हाथ पीछे, पैर को जमीन पे पटकना है, सामान्य श्वास लेते छोड़ते रहेंगे। तो सब लोग जरा अब सामने की तरफ बैठ जाना है, आंखें बंद, दोनों हाथ को घुटने को पकड़ लेना है, नॉर्मल ब्रीथ, सामान्य श्वास, आंखें बंद, आंखें पूरी तरह बंद होंगी, नॉर्मल ब्रीथ, सामान्य श्वास लेते छोड़ते रहिए। शरीर को शांत कीजिए, क्योंकि नौका चालन ये बहुत ही लाभदायक आसन होता है, और थोड़ा सा इस आसन करने से शरीर में गर्माहट निर्माण होती है, क्योंकि मूवमेंट ज्यादा है इसमें। तो चलिए हम लोग करेंगे अभी अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम ये सब लोग करते हैं, सेम वैसे ही करना है, सिर्फ हमारे योगा का समाप्ति का जो सेशन है उसमें प्राणायाम करना बहुत जरूरी होता है। करके अगर आपको आ रहे हैं अलग बात है, कुछ लोग नए जुड़े होंगे तो उनके लिए ये बहुत ही फायदेमंद होगा। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम के लिए पोजीशन क्या है कि लेफ्ट हैंड में ये मुद्रा होगी और राइट हैंड में अंगूठे के सामने की पहली दो उंगलियां ऐसे अंदर चली जाती है। तो राइट जो हमारा अंगूठा होता है उससे राइट वाले नाक को बंद करेंगे, लेफ्ट से सांस अंदर खींचेंगे, लेफ्ट वाली बंद करके सांस को राइट से छोड़ेंगे, अब राइट से लेंगे, अब राइट वाली से बंद करके लेफ्ट से छोड़ेंगे। इस क्रिया को आपको कंटिन्यू चालू रखना है। सब लोग अपनी आंखें बंद करेंगे, जब तक मैं आपको नहीं बोलता हूं रुकने के लिए तब तक आपको इस प्राणायाम को चालू रखना है। बीच बीच में मैं इसका डिक्टेशन करते रहूंगा, ठीक है। कंटिन्यू शुरुआत कर दिए, स्टार्ट करेंगे। चलिए, लेफ्ट से सांस अंदर, लेफ्ट वाली नाक बंद कीजिए, राइट से बाहर, राइट से अंदर सांस लीजिए,
राइट वाली बंद करके स्लोली सांस लेफ्ट से छोड़िए। इस प्रक्रिया को कंटिन्यू चालू रखिए। ध्यान रहे, सांस अंदर लेते समय आवाज नहीं आनी चाहिए, सांस बाहर छोड़ते समय भी आवाज नहीं आनी चाहिए। इतना स्लो सांस लो कि आप धीरे धीरे उसको डीप ब्रीथ के हिसाब से लेना है, जिससे आप ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन आपके शरीर में इंटेक कर सकते हो। अनुलोम विलोम प्राणायाम आप चालू रखिए। अनुलोम विलोम प्राणायाम से हमारे शरीर की 72,864 नाड़ियां कंट्रोल में आती है, और ये नाड़ियां कंट्रोल में आने के लिए आपको रोज का रोज प्राणायाम करना है। तो कंटिन्यू चालू रखिए। कंटिन्यू चालू रखिए। आप जो सांस अंदर खींच रहे हो, वह जाते समय ठंड होती है, और जब आप सांस रुकाने के बाद उसे बाहर छोड़ रहे होते हो, वह उष्ण और गर्म होती है। ऐसा आपको अनुभव करते रहना है। तो चलिए प्राणायाम बंद करने की तरफ चलेंगे। तो सब लोग अपनी बाई नाक से सांस अंदर लीजिए धीरे धीरे। बाई नाक बंद कीजिए, लिया हुआ सांस धीरे धीरे राइट से बाहर छोड़िए। और फिर राइट नाक या दाहिनी नाक से सांस अंदर लीजिए। अंगठे से दाहिनी नाक को बंद कीजिए राइट नाक को, और सांस लेफ्ट से बाहर छोड़िए। बाई नाक से सांस छोड़ने के बाद हाथ नीचे लाएंगे और रिलैक्स हो जाएंगे। तो ये था अनुलोम विलोम प्राणायाम, जो हमारे नर्वस सिस्टम को सबसे ज्यादा कंट्रोल करता है। अगर आपने इसे रोज करना शुरू किया तो आपका वजन भी इससे मेंटेन होता है। तो चलिए सबसे लास्ट में हम लोग करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। तो भ्रामरी प्राणायाम के लिए सबसे पहले हमारी जो तीन उंगलियां हैं वो आंख के ऊपर रख लीजिए। आंखों को दबाना नहीं है, ऊपर की जो एक उंगली है हमारी उसको माथे के ऊपर रखना है। अंगूठे से कान को बंद कर लेंगे पूरी तरह। कान को बंद करने के बाद लंबी गहरी सांस लेनी है, और सांस छोड़ते समय मकार ऐसे तीन सांसों की आवाज करनी है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। तीन सांस होने के बाद आप लोग अपने हाथों का घर्षण करेंगे, और घर्षण करने के बाद अपने चेहरे पर हाथ घुमाएंगे, और उसके बाद आपको आंखें खोलनी है। चलिए स्टार्ट करेंगे। रेडी, 1 2 3 स्टार्ट। और एक बार, और एक बार,
दोनों हाथों का घर्षण, घर्षण से जो ऊर्जा निर्माण होगी उसे अपने चेहरे पर घुमाएंगे और आराम से आंखें खोलेंगे। तो आज का जो हमारा योगा का सेशन था, अब यहीं पे समाप्त करता हूँ।